सो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन की कुछ ऐसे फीचर्स की जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। काफ़ी काम के फीचर्स हैं और बहुत मेहनत से मैंने ये फीचर्स ढूंढे हैं आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। साथ साथ चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना इस वीडियोस और देखने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो वहाँ पर। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे बात करूँ इसके पहले फीचर की, तो दोस्तों पहला फीचर इसका ऐसा है जो कि जिसे देख के मैं भी परेशान हो गया था, मतलब मैं भी हैरान हो गया था कि ये भी पॉसिबल है किसी स्मार्टफोन पर, लेकिन दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9 से पॉसिबल है। बेसिकली क्या होता है, अगर हम अपना फ़ोन को जो है किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे जो है अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, तो हम जो हॉटस्पॉट है वो ओपन नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों इसके साथ ऐसा नहीं है, अगर आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है उसके बावजूद भी आप जो हॉटस्पॉट है वो इनेबल कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपका फ़ोन किसी वाईफाई से कनेक्टेड है लेकिन आपके दोस्त के पास उसका पासवर्ड नहीं है, तो आप इजीली हॉटस्पॉट खोलकर उसके साथ वाईफाई शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो है लाइव टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो ये जो वाईफाई है मेरे घर का, तो ये इस टैबलेट से जो है कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो मैं जो है हॉटस्पॉट की मदद से जो है आपको यहाँ पर नेट चला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हॉटस्पॉट खोल रखा है इन्फिनिक्स हॉट 9 का, तो अब मैं जो है हॉटस्पॉट से इसे जो है चला कर दिखाता हूँ टैबलेट को। तो दोस्तों आप जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा हॉटस्पॉट है वो कनेक्टेड हो गया इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन से। अब मैं आपको जो है नेट भी चला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ईजिली यहाँ पर जो है मैंने नेट चला दिया है, बिल्कुल बहुत स्मूथ चल रहा है, मतलब बेसिकली सेम ही स्पीड हमें देखने को मिल रही है। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है जिसे आप ट्राई कर सकते हो इस इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन पर। तो दोस्तों अगर बात करूं अगले फीचर की, तो अगला फीचर भी एकदम यूनिक फीचर, एकदम एक्सक्लूसिव फीचर है जो मैंने सबसे पहले इसी स्मार्टफोन पर यानी कि इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन पर देखा है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको 360 डिग्री फ्लैश का जो ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर जो है आप अगर फ्रंट की फ्लैश लाइट और बैक की फ्लैश लाइट दोनों को जो है आप एक साथ चला सकते हो। जैसे कि मान लो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अगर आप 360 पर टैप करेंगे तो आपकी आगे की और पीछे की दोनों की जो फ्लैश लाइट है वो इनेबल हो जाएगी। अगर आप खाली आगे की ओपन रखना चाहते हो तो आपको 360 बंद करना होगा, और आप जो है सिर्फ फ्रंट की फ्लैश को टैप कर दी तो आपकी जो बैक फ्लैश है वो बंद हो जाएगी और फ्रंट की इनेबल हो जाएगी। अगर आप सिर्फ रेयर फ्लैश को इनेबल करके रखना चाहते हो तो आप रेयर फ्लैश पर टैप कर दिए तो आपकी जो फ्रंट की जो फ्लैश है वो बंद हो जाएगी और आपकी रेयर फ्लैश इनेबल हो जाएगी। तो मतलब ये बहुत यूज़फुल फीचर है जिसे आप ट्राई कर सकते हो, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये फीचर। आप 360 डिग्री फ्लैश को जो इस्तेमाल कर सकते हो ईजिली, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा इस इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन का। दोस्तों अगर बात करूँ अगले फीचर की, तो वो है DTS साउंड। तो दोस्तों बेसिकली DTS साउंड क्या है, DTS साउंड आपकी जो साउंड की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। दोस्तों आजकल फ़ोनों में जो है डॉबली ऑडियो का जो है बहुत सपोर्ट आ रहा है, लेकिन दोस्तों डॉबली ऑडियो में क्या कमी है, कमी ये है कि आपको जो है आपको वायर्ड एयरफोन्स के इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि जब आप एयरफोन्स का यूज़ करेंगे तो या आप उस फीचर को यूज़ कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों DTS साउंड में ऐसा कोई केस नहीं है, आप बगैर किसी एयरफोन्स के जो है आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो आप जो यहाँ पर म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं और गेमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आपकी जो साउंड है फ़ोन की वो चेंज हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी साउंड में। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है जिसे आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों अगर बात करूं आपसे अगले फीचर की, तो अगला फीचर आपको मिलता है यहाँ पर फोन मैनेजर में। फोन मैनेजर में बेसिकली बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, जिसके यहाँ पर आपको जंक फाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जो है जंक फाइल को क्लियर कर सकते हो, जितनी भी जंक फाइल होती है जो कि अननेसेसरी डाटा होता है फ़ोन का, उसे आप इजीली यहाँ पर स्कैन करके जो है क्लियर कर सकते हो। इससे जो आपकी जो फ़ोन की स्टोरेज है वो क्लियर हो जाएगी और आपको ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो फोन मैनेजर में जो है इसके बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक एक करके सारे। और दोस्तों यहाँ पर आपको CPU कूलर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको फोन बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको एंटीवायरस स्कैन करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको पावर सेविंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको ऐप लॉक भी मिलता है। बेसिकली आप ऐप्स पर लॉक लगा सकते हो, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ऐप पर जो है लॉक लगा रखा है S9 पर, और आप गैलरी में जहाँ पर भी आप चाहो आप लॉक लगा सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गैलरी में लॉक आ चुका है, तो आपको अलग से कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की, आपको फ़ोन में ही प्री इंस्टॉल ऐप लॉक मिल जाएगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके आप जो है ट्राई कर सकते हो इस फोन मैनेजर में। तो दोस्तों अगर बात करो अगले फीचर की, तो अगला फीचर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंस्टेंट ऐप का। इंस्टेंट ऐप बेसिकली बहुत अच्छा फीचर है इस इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन का। तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप बगैर ऐप को इंस्टॉल करें, बगैर ऐप को डाउनलोड करें आप ऐप जो है यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ऐप है बुकिंग, तो बुकिंग को जो है मैं बगैर डाउनलोड करे ही ओपन कर सकता हूँ और इसे यूज़ कर सकता हूँ ईजिली बिना किसी रुकावट के। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर मुझे लगा जो कि आप ट्राई कर सकते हो इस इंस्टेंट ऐप में, इस हॉट 9 स्मार्टफोन में। और आपको बहुत सारे यहाँ पर गेम्स खेलने को मिल जाएंगे जिन्हें आप बगैर इंस्टॉल कर ही खेल पाओगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है इंस्टेंट ऐप, इसको आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें जो है अपना फ़ोन एकदम क्लीन चाहिए होता है, जिन्हें ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है, तो आप ईजिली जो है इसको हटा सकते हो। तो आप हटा भी सकते हो इसे, अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है इंस्टेंट ऐप, इसको आप ट्राई कर सकते हो इस इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन पर।
दोस्तों अगर बात करूं अगले फीचर की, तो अगला फीचर यहाँ पर आपको मिलता है थीम स्टोर में। बेसिकली यहाँ पर एक्स थीम के नाम से एक ऐप है जो कि इन्फिनिक्स का ही ऐप है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप जो है ट्राई कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर होता है थीम स्टोर, और बहुत बंदे को चाहिए होता है, तो ये इन्फिनिक्स हॉटलाइन स्मार्टफोन पर अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है। बेसिकली आपको डिस्कवरी टैब में जाना होगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वीडियो शो का। तो वीडियो शो से क्या होगा दोस्तों, आप मान लीजिए जब आपकी फ़ोन पर कोई कॉल आती है तो आपको इस तरह का जो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ 3 इंटरफेस है जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे फ़ोन अपडेट होगा तो डेवलपर जो है और इंटरफेस को ऐड करते जाएंगे। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है वीडियो शो, जो आप ट्राई कर सकते हो, और थीम स्टोर पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों अगर बात करूं अगले फीचर की, तो अगला फीचर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। बेसिकली ये मैंने अभी इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में मैंने देखा है, तो ये फीचर है फ्रीज़र के नाम से। तो इसको इनेबल करने के बाद आपको क्या होगा, बेसिकली आप उन ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हो जिन्हें आप जो है बैकग्राउंड में बंद करना चाहते हो। बेसिकली जितने भी ऐप्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स के जो ऐप होते हैं वो बैकग्राउंड में भी रन होते रहते हैं, चाहे आप उन्हें यूज़ करो ना करो। लेकिन दोस्तों फ्रीज़र की मदद से ऐसा नहीं होगा। फ्रीज़र की मदद से आप जिन ऐप्स को सिलेक्ट कर लोगे वो बैकग्राउंड में बिल्कुल भी रन नहीं होंगे, जब आप उन ऐप्स को यूज़ कर रहे होंगे सिर्फ वो तभी आपका डाटा, आपकी जितनी भी स्टोरेज है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आपकी यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड में ऐप बिल्कुल भी रन नहीं होंगे जब आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो फ्रीज़र जो ऐप है आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है इस इन्फिनिक्स हॉटलाइन स्मार्टफोन का। दोस्तों बात करूँ अगले फीचर की, तो अगला फीचर भी एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। बेसिकली बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी होम स्क्रीन की सेटिंग्स को जो है चेंज करना पड़ता है, तो आप जो है इजीली बहुत सारे ऐप्स को सिलेक्ट कर इसे जो है चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये एक यूज़फुल फीचर मुझे लगता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर तो नहीं है लेकिन काफ़ी यूज़फुल होता है फीचर काफ़ी बंदों के लिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इसे आप ट्राई कर सकते हो होम स्क्रीन सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। दोस्तों बात करूं अगर आपसे अगले फीचर की, तो अगला फीचर भी एक बहुत यूज़फुल फीचर है जो कि ऑलमोस्ट अब तो सभी स्मार्टफोन में आ रहा है, तो इसी स्मार्टफोन में अवेलेबल है। बेसिकली आपको जाना पड़ेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले, इसको आपको इनेबल कर देना है। तो आपकी जो नेटवर्क की जो स्पीड होगी वो आपको शो होने लगेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी जो नेटवर्क की स्पीड है वो शो हो रही है। तो एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है जिसे आप ट्राई कर सकते हो। तो ये इन्फिनिक्स स्मार्टफोन पर अवेलेबल है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी। दोस्तों बात करूँ अगले फीचर की, तो अगले फीचर के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बैटरी लाइफ का। अब बैटरी लाइफ में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर फीचर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है AI स्मार्ट पावर सेविंग। बेसिकली ये AI की मदद से जो है आपका जो एरोप्लेन मोड है वो इनेबल कर देगा, यानी कि आपके यूजिंग हैबिट के हिसाब से आप फ़ोन को कब यूज़ करते हो कब यूज़ नहीं करते हो, तो आपका जो एरोप्लेन मोड है वो अपने आप ही इनेबल हो जाया करेगा, जिससे आपकी जो बैटरी वो काफ़ी ज़्यादा सेव होगी। और भी बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रोफेशनल सेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप जो है लो पावर रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं, यानी कि आपको 10% पे, 15% पे, या फिर कब आपको रिमाइंडर चाहिए लो पावर का, जिससे आप जो है अपने फ़ोन को चार्ज कर सकें। स्क्रीन ऑफ पुश ब्लॉक, ये भी एक बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। बेसिकली ये ऐप्स क्या करेगा, ये जो फीचर है ये क्या करेगा, जब आपका जो फ़ोन है वो ऑफ हो जाता है तो आपको जो नोटिफिकेशन आते हैं ऐप्स पर, तो उन नोटिफिकेशन को बंद कर देगा, ताकि जो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ रहे और आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है, यहाँ पर आप जो है इन्हें ट्राई कर सकते हो इस बैटरी लाइफ में। तो ये फीचर आप ज़रूर ट्राई करिएगा बैटरी लाइफ के। तो दोस्तों अगर बात करो अगले फीचर की, तो अगले फीचर आपको मिलेंगे डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में यहाँ पर आपको सभी यूजफुल फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको एडिटिव ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है, आपकी ब्राइटनेस जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहेगी। यहाँ पर आपको आई केयर का भी मोड मिल जाता है, जिसको आप टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हो रात में, तो रात में जो आपके कलर्स है वो एकदम वार्म हो जाएंगे, जिसमें जो ब्लू लाइट इमिशन होता है फ़ोन में वो आपका बंद हो जाएगा, तो आपकी आंखों पर जो है ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा आपकी आंखों को। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा रात में, रात को आपको जो है ज़रूर इनेबल करना चाहिए आई केयर मोड को। यहाँ पर आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको एक बहुत यूज़फुल फीचर जो है डार्क मोड, उसका भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली इससे आपको जो फ़ोन की स्क्रीन है वो डार्क हो जाएगी, और जितने भी ऐप्स हैं जो कि डार्क मोड को सपोर्ट करते हैं वो सब के सब जो है डार्क हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब भी डार्क हो गया, यहाँ पर प्ले स्टोर भी डार्क हो गया, जितने भी ऐप जो डार्क मोड को सपोर्ट करते हैं वो सब यहाँ पर डार्क हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है, इसे आप ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अगर आपको नॉच हाइड करनी है तो आप नॉच को भी यहाँ पर हाइड कर सकते हो, यहाँ पर आप हाइड नॉच एरिया पर टैप कर दीजिए तो आपकी जो नॉच है वो हाइड हो जाएगी। तो ये भी एक यूजफुल फीचर जिसे आप ट्राई कर सकते हो डिस्प्ले वाले में। और आपको ऑटो रोटेट स्क्रीन का तो ऑप्शन मिलता ही है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों बात करूँ अगले फीचर की, तो अगला बेसिकली कोई फीचर नहीं है, अगला बेसिकली टूल्स हैं, यानी कि बंदों को जानना होता है कि इसमें सारे टूल्स अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कैलकुलेटर, नोटबुक, बेसिकली जो नोट्स के लिए होता है वो, FM रेडियो, साउंड रिकॉर्डर, कंपास भी अवेलेबल है, और फाइल्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सभी यूजफुल टूल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके सारे ऐप्स। तो ये कैलकुलेटर है, ये नोट्स हैं, ये FM रेडियो जिनके लिए जो है आपको एयरफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये साउंड रिकॉर्डर है,
जिसको आपको अलाउ कर देना है इसको, और दोस्तों ये कंपास है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लोकेशन को इनेबल कर देना है दोस्तों, आप ये कंपास जो है इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो सभी काम के टूल्स जो हैं आपको मिल जाएंगे इस इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन पर। तो दोस्तों अगर बात करें लास्ट फीचर की बट नॉट लीस्ट, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है गेम मोड। गेम मोड बेसिकली इसका मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर लगा, इसकी मैंने बहुत तारीफ करी है अपनी गेमिंग वाली वीडियो में जब मैंने इसका गेम का रिव्यू करा था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ स्मार्टफोन की रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग भी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो गेम मोड बेसिकली आपके जो फोन की जो परफॉर्मेंस है वो मिनिमाइज़ कर देता है, यानी कि ऑप्टिमाइज़ कर देता है और ज़्यादा अच्छी कर देता है, जिससे आपको जो गेम में परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर मिलती है, तो आप जो है अच्छी गेमिंग कर पाते हैं। साथ ही साथ एडवांस सेटिंग में जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ यूजफुल फीचर मिल जाते हैं जिन्हें आप ट्राई कर पाओगे जब आप गेम मोड को इनेबल कर दोगे। तो गेम मोड इसका एक बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर मुझे लगा, इसको आप ट्राई कर सकते हो जब आप गेमिंग करोगे। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है स्मार्टफोन पर, और भी काफ़ी फीचर जो है रह गए, तो मैं सोच रहा हूँ इसका एक पार्ट टू भी बना दूँ। तो अगर इस वीडियो से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अगर आपने मुझे अच्छी कमेंट करी, अच्छे लाइक दिए, तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो का एक पार्ट टू भी बनाऊंगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर आपको बताऊंगा इस इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन पर। और बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ आने वाली है मेरे चैनल पर इस इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन को लेकर, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है या फिर आप इन्हें लेने की सोच रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मुझे ज्वाइन करो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। एंड लास्टली थैंक फॉर वॉचिंग।